वेलकम टू आरकेसी स्टडी। आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालने का बेहद ही शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे। हालांकि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो उसका फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लेकिन आज मैं आप लोगों को ना ही लॉन्ग डिवीजन मेथड बताऊंगा और ना ही आपको फैक्टराइजेशन, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको स्क्वायर का यूनिट जानना बेहद ही ज़रूरी है। आखिर ये चीज़ यूनिट डिजिट में क्या बता रहा हूँ, इसे आप बोर्ड पे देखिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे वन का स्क्वायर क्या होता है, वन, ओके, टू का स्क्वायर। ये पहले ट्रिक है, पहले इसको सीखिए समझिए तभी जाके आगे ट्रिक को समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे आप। देन सेवन का स्क्वायर क्या होता है, 49, तो ओनली 9 ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। देन एट का स्क्वायर 64, तो 4 ही इसका लिखेंगे। 9 का स्क्वायर देन 81, देन 1 ही लिखेंगे, ओके। और 0 का स्क्वायर वो 0 ही हो जाएगा, अपने आप पुट हो जाएगा। तो एक कॉमन सा चीज़ आप देखिएगा, कुछ ऐसे डिजिट्स है जिसके यूनिट डिजिट मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल 4 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, इसके जब स्क्वायर किया जाए तो इन दोनों का जो यूनिट प्लेस है वो दोनों क्या होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। फिर आप ये देखिएगा कि 1 का और 9 का, इन दोनों का अगर स्क्वायर किया जाए तो इन दोनों का भी यूनिट प्लेस 1 होते हैं, ठीक। 1 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस एंड 9 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस, दोनों का क्या आ रहा है, सेम 1 1। फिर देखेंगे हम लोग 2 का 4 हो रहा है और 8 का भी क्या हो रहा है, यूनिट प्लेस 4 हो रहा है। 2 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस एंड 8 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, ओके। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं 3 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस, 3 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस एंड 7 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होते हैं, 9 होते हैं। मैंने आपको यूनिट प्लेस इससे पहले ही बताया कि 49 लिखा हुआ था, ये यूनिट प्लेस आपका 9 और 36 का यूनिट प्लेस आपका 6 हो गया, देन 16 का यूनिट प्लेस 6 हो गया। तो ये यूनिट प्लेस, इसके बारे में मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ इसका बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस चीज़ को अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर आगे भी आप नहीं सीख पाएंगे। आगे का जो ट्रिक है उसे जानने के लिए आपको यूनिट प्लेस जानना बेहद ही ज़रूरी है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर आपका 5 का 5 ही हो रहा, पर ये चार चीज़ों को देख लीजिए, यहाँ पर बोर्ड में जो लिखे हुए इसे आप देखिए, ठीक है, कि 1 का आपका हो गया। अब ये चार्ट यहाँ पर है, इसके हेल्प से हम लोग बनाएंगे, ये कॉमन है, ठीक है। यहाँ हम लोग देखते हैं, ये मैंने साइड में लिख दिया, अब इसे बनाने का तरीका देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन, इसको स्क्वायर रूट निकाला जाए 9216। अब इसको बिना फैक्टराइजेशन और बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का कैसे निकालेंगे वो तरीका देखिए। स्क्वायर रूट देखिए, यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट में कुछ नहीं तो 2 छिपा हुआ रहता है, 2 छिपा हुआ रहता है, इसे लिखा नहीं जाता। तो इसे अगर आप समझ रहे हैं तो यहाँ भी समझ में आ जाएंगे, 2 छिपा हुआ रहता है। तो इधर से आप राइट साइड से 2 डिजिट काउंट कीजिए, देन 1 एंड 2 काउंट कर लीजिए, ओके। अब यहाँ से कट गए, अब यहाँ पर कितना है, 92 आए, ये 16 है, ओके, 16 है। तो पहले एक चीज़ समझिएगा, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं तो 16 हुआ, यूनिट प्लस 6, एंड 6 का स्क्वायर करूं तो 36 हो गया, देन यूनिट प्लस 6। तो मुझे ये नहीं पता कि ये जो डिजिट इसका स्क्वायर रूट में यूनिट प्लस आइदर 4 और 6, यही तो पता नहीं ना, इसको भी जानना जरूरी, इसका भी ट्रिक है। तो या तो 4 हो सकता है इसके यूनिट प्लस पे, या फिर क्या हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पर लिख देते हैं, 4 और 6 साइड में लिख देते हैं, मैं बाद में बता दूंगा क्यों। उसके बाद यहाँ पर जो भी संख्याएं बच गई है 92, इसे यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। अब 92 के पहले एक परफेक्ट स्क्वायर बताइए कि क्या है, 81। 92 के पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, 81, और 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर, ओके। तो 9 का स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, और इसके बाद जो भी यहाँ 9 का स्क्वायर लिखे इसमें प्लस 1 करके यहाँ पर स्क्वायर, यानी ये 10 का स्क्वायर लिखना, डैट मीन्स के एडजेसेंट ही यहाँ लिखना। अगर 8 का स्क्वायर लिखते तो यहाँ पर आपका 9 का, अगर 10 का लिख रहे थे 11 का, 12 का लिख रहे थे इधर क्या लिखेंगे, 13 का। डैट मीन्स दिस नंबर विल बी लाई बिटवीन दिस नंबर, ओके। तो 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर इसके बीच में ही लाई करेंगे, क्योंकि 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, एंड 10 का स्क्वायर क्या होंगे, 100 होंगे। देखिए तो आपका 81 और 100 के बीच में आपका 92 लाई कर रहे हैं ना, ओके। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो इसका बेस नंबर है 9 एंड 10,
इन दोनों को आपस में क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, ओके। देन 9 × 10 कितना हो गया, 90, ठीक है, 90 हो गया ना। तो अब यहाँ से ये जो बीच वाला नंबर है और ये 90 है, इन दोनों के बीच में कंपेरिजन करते हैं। ये 90 क्या है, बड़ा है ना, ये जो 92 है क्या है, बड़ा है ना 90 से। अगर ये 92 बड़ा है तो यहाँ से हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे, बड़े वाले को सिलेक्ट करेंगे, ओके। किसको, इस बड़े वाले को सिलेक्ट करेंगे। अगर ये छोटा रहता 88 समथिंग कुछ भी आपका रहता है, अगर इससे आपका लेस नहीं रहता तो लेस को करते, और ये अगर इससे ग्रेटर है देन ग्रेटर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 हो गया, ओके। और ऑलवेज हम लोग लेफ्ट साइड वाले को लेते हैं, देन 96, यानी आपका 9216 का स्क्वायर रूट 96 होते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ इसलिए लग रहा होगा कि सर ने बहुत ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन आप खुद से जब बनाइएगा तो विद इन 3 सेकेंड्स आपके बन जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं अच्छे से बताता हूँ, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8836। अगर पहला रूल आप सीख गए होंगे तो दूसरा भी सीखते हैं, इस प्रकार से तीसरा भी, तो एक एक करके अगर बनाते जाएंगे तो आप इजीली सीख जाएंगे। अगर पहला भी नहीं समझ में आया तो दूसरा में देखते हैं ना, क्या करेंगे, यहाँ से 2 डिजिट राइट साइड से इधर काउंट करते हैं, ओके, 6 है, तो फिर क्या होगा, पिछले बार में भी, पिछले क्वेश्चन में भी आपका यूनिट प्लेस 6 था, तो मुझे पता नहीं, हो सकता है कि आपका क्या हो, या तो आपका 4 हो यूनिट प्लेस या फिर 6 हो, तो दोनों को साइड में हम लोग लिख लेते हैं, या तो 4 हो सकता है या फिर आपका 6 हो सकता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, 88 हो गए ना, तो 88 को हम लोग लिख देते हैं। अब 88 से पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 88 से पहले परफेक्ट स्क्वायर आपका 81 है, यानी 9 का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, इसको 10 का स्क्वायर कर देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 10 इक्वल टू कितने हो गए, 90। अब बताइए 88 बड़ा कि छोटा हो गया, ये छोटा हो गया ना, तो छोटा हो गया यानी हम लोग यहाँ से छोटा वाला को सिलेक्ट करेंगे, देन 4, और ऑलवेज हम लोग लेफ्ट साइड वाला ये बेस को लेते हैं, देन 94। मुझे नहीं लग रहा होगा कि 3 सेकेंड्स भी आपको लगेंगे अगर आप सीख जाइएगा रूल को, तो ओके, तो 94 आपका 8836 का स्क्वायर रूट आपका 94 होंगे, ओके। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके रेलवे, एसएससी या बैंकिंग में तो आपका बहुत अच्छा ही पूछा जाता है, तो इसीलिए इस ट्रिक को मैं बता रहा हूँ। कई फैक्टराइजेशन करना बैठ गए तो बहुत ज़्यादा ही टाइम टेकन करेंगे, और एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट भी नहीं मिलते, 60 मिनट पे 100 क्वेश्चन होते हैं, तो इसीलिए आपको ट्रिक ही जानना बेहद ही ज़रूरी है, ट्रिक से ही आप जल्दी में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 12769, तो इसका भी वही ट्रिक है जो इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन बताया, और जो ट्रिक बता रहे थे इसका भी वही ट्रिक है, इसलिए आप बना सकते हैं। इधर से आप क्या कीजिए, 2 डिजिट को छोड़ दीजिए, ओके, 69। अब ये 9 है ना, तो 9 है तो यहाँ पर से देखेंगे यूनिट प्लेस पे आपका या तो 3 हो सकता है या फिर आपका 7 हो सकता है, तो 3 और 7 को यहाँ हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ पर कितना हो गया, देन 127, ओके। अब ये हम लोग देखते हैं कि 127 के नीचे परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो 121, और जो कि वो आपका 11 का स्क्वायर होता है, 121 11 का स्क्वायर, और इसके जस्ट बाद 12 का स्क्वायर करना, फिर क्या करेंगे, 11 × 12, देन 132 हो गए, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं 132 हो गए ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये वाला बीच वाला ही यही देखिएगा, ये छोटा हो गया है इससे, तो छोटा हो गया तो हम लोग यहाँ से क्या सिलेक्ट करेंगे, छोटे वाले को सिलेक्ट करेंगे, और उसके पहले क्या होगा, लेफ्ट साइड वाले को, देन 113, ठीक है, 113 का ये आपका स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, तो जो आपका 12769 का स्क्वायर रूट 113 होंगे, ओके, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो या ट्रिक अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ठीक। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, इसे आप बनाइए और हमारे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर कमेंट कीजिए, ओके। 5929 है और आपका एक 13456, तो इन दोनों को आप स्क्वायर रूट निकाल करके सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर से जरूर कर दीजिएगा आपने कितना सीखा। अगर इसके बावजूद भी आपको दुविधा हो रही हो तो कृपया कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके दुविधा को सॉल्व कर दूँ। ये सारा आपका परफेक्ट स्क्वायर पे मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया, ओके।